टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लग गया था, मगर अब ये लोकल ट्रेनें धीरे धीरे एक बार फिर बड़ी संख्या में पटरियों पर लौट रही हैं। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 29 जनवरी 2021 से 204 अतिरिक्त मुंबई लोकल ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिसके साथ ही 95% लोकल ट्रेनें पटरियों पर वापस दौड़ेंगी। मध्य रेलवे ने 29 जनवरी से मुंबई की उपनगर सेवाओं को 2781 से बढ़ाकर 2985 लोकल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें सेंट्रल रेलवे ने 1580 से बढ़ाकर 1685 करने का फैसला लिया है। वेस्टर्न रेलवे ने 1201 उपनगरीय सेवाओं को 1300 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि इन ट्रेनों में अभी सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग ही यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाज़त है। रेलवे ने अन्य लोगों से स्टेशनों पर न जाने की अपील की है। यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने और नियमों का पालन करना अनिवार्य है, मगर ये भी खबर सामने है कि अभी इस पर चर्चा हो रही है और विचार विमर्श किया जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।